ಬಂದ್ರೆ ಆಗ ಸರಿ ಕುಮಾರ್ ಕಚ್ಚಿಡಂದಿಲ್ಲ आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के ऊपर भारतीय जनता पार्टी इसे एक समरसता दिवस के रूप में मना रही है। आज भारत देश के अंदर जो एक संकट की घड़ी है, एक वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा विश्व और भारत देश भी इससे जूझ रहा है, उसका ख्याल रखते हुए हमारे संगठन ने आज एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जो है वो बाबा साहब को दी है और इससे हमें सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा है कि सामाजिक दूरी जो है वो भी हम बनाए रखें। लॉकडाउन जो है आज ही प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए ये बताया है कि 3 मई तक इसको बढ़ाया गया है और फेस कवर के लिए जो घर में हमारी महिला मोर्चा की सदस्य जो हैं वो फेस कवर घर में बैठ के बना रही हैं और कोई भी व्यक्ति हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में हमने संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो फेस कवर के बिना नहीं रहना चाहिए। तो जितनी भी हमारी महिला मोर्चा की सदस्य हैं आज हमारे साथ सकंदिया जी हैं और हमारे यहाँ के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जो जहाँ कमेटी है उसके प्रधान हैं जय भारत जी, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय सैनी जी और हमारे बाकी साथी जो हैं। दूसरा, हम जितनी भी गरीब बस्तियाँ हैं उसमें आज बाबा जी की जयंती के ऊपर हम वहाँ राशन वितरण और राशन वितरण का काम भी जो है गरीब बस्तियों में जहाँ भी बस्तियाँ हैं वहाँ कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जगह जगह जहाँ बाबा जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं वहीं ये नेक काम भी करने के लिए हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो आगे आया है। तो आज बिश्नाह में भी हमने पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ये समरसता दिवस जो है वो मनाया है और कुछ बस्तियों में हमने बिश्नाह में राशन बांटा है, कुछ बाहर भी हम दूसरे मंडल में भी अरनिया में भी वहाँ भी हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। तो मास्क जो हैं और फेस कवर जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने कहा है और हमारा आज ये संकल्प है कि इस विधानसभा क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो है फेस कवर के हम नहीं रहने देंगे। ठीक है।